मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बाद अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको सेहत दे, खुश रहें, आबाद रहें। हर वीडियो में ही मेरी दुआएं आपके साथ। अल्लाह पाक हर मुसीबत से, परेशानी से, दुख तकलीफ़ से हमेशा दूर रखे और आपके बच्चों पे साया आपका कायम रहे। जो फैमिली पर्देदार है आपके घर में, अल्लाह पाक उनके पर्दे सलामत रखना। और जो बच्चियाँ बहनें ब्याह कर अपने ससुराल जा चुकी हैं, अल्लाह पाक उनका वक़ार इज़्ज़त बरकरार रखना। और जो हमारे भाई रोज़गार के हवाले से परेशानी में हैं, अल्लाह पाक उनकी भी परेशानियाँ दूर फरमाएं। जो औलाद के हवाले से परेशान हैं, अल्लाह पाक उन्हें औलाद नरीना अता फरमा दे। और जिनका छत नहीं है, घर नहीं है, दर नहीं है, बेचारे रोडों पर सो रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमा दें। और जो परदेसी भाई हैं हमारे आउट कंट्री में, किसी और बाप की वजह से तंग हैं या किसी बिजनेस के हवाले से परेशान हैं या दुख बीमारी में हैं या बच्चों की वजह से परेशान हैं, ऐ मेरे मौला अपने हबीब के सदक़े में उनकी मुसीबतें परेशानियाँ दूर फरमा दें। आमीन। दोस्तों आप भी आमीन कहते हैं। हर इलाज HM चैनल आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। इस पे रूहानी और यूनानी दोनों ही तरीके से हेल्प की जा रही है। जो हमारे नए मेंबर आने वो चैनल सब्सक्राइब्स करें और जो पुरानी वीडियो से फ़ायदा हासिल करना चाह रहे हैं, नीचे मेरी पिक है इत्तफाक हुसैन लिखा हुआ है, तो वहाँ क्लिक कर दें तो आपको हमारा पूरा ख़जाना नज़र आ जाएगा। विज़िट कर सकते हैं आप, बहुत कुछ हमने दिया हुआ है। दोस्तों आज का नुस्खा बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। आप बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह मुझे दुआएं करेंगे। और आप जो है लाइक ज़रूर दिया करें, इसमें कंजूसी ना किया करें, ये हमारा हक है। और कमेंट्स दे दिया करें। और किसी मजबूर इंसान को जिसका घर बर्बाद हो रहा है तो उसको ये नुस्खा शेयर कर देना, ताकि उजड़े हुए गुलशन में बहार आ सके। अल्लाह ये नेकी आपकी कबूल फरमाएगा। आमीन। नुस्खा नोट फरमाएं। सलाजीत आप दोस्तों लेंगे 15 ग्राम सलाजीत, और जिनसिंग ये बाहर की जड़ी बूटी होती है, ये जिनसिंग ये भी 15 ग्राम लेंगे। और तैयार जो है कुश्ता फलाद पैकिंग में मिलता है, हर जगह से मिल जाता है, ये 12 ग्राम लेंगे। और दोस्तों ज़ाफ़रान आपने 3 ग्राम लेना है, सिर्फ 3 ग्राम। और काली मिर्च ये आप 10 ग्राम लेंगे, स्याह मिर्च जिसे कहते हैं। आप करना क्या है, आपने ज़ाफ़रान को आप छोड़ देना, कुश्ता फलाद को छोड़ देना, बाकी ये जो अज़ा दूसरे हैं ज़ाफ़रान को भी छोड़कर सलाजीद और ये जिनसिंग काली मिर्च जो है इनको बारीक कर लें और फिर कुश्ता फलाद शामिल कर लें इसमें। और उसके बाद जो ज़ाफ़रान है इसे जो है आप गुलाब के अर्क में थोड़ा थोड़ा दो दो चार चार कतरे डालकर इसे आप बिल्कुल जो है खरल कर लें। फिर उसी सफ़ूफ में ऐड करके 10 मिनट 15 मिनट अच्छी तरह खरल करेंगे तो काम हो जाएगा आपका। आप चाहें तो कैप्सूल भर लें 500 मिलीग्राम के, 500 मिलीग्राम के कैप्सूल नहीं भरना चाहते हैं तो आप इसे जो है थोड़ी सी शहद मिलाकर तो इसे चने बराबर गोली भी बना सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। ठीक है जी, तो एक कैप्सूल या एक गोली नाश्ते के बाद आपने इस्तेमाल करनी है, और एक जो है आपने रात को सोते वक्त या शाम 5 बजे ले लें दूध पत्ती चाय के साथ। सुबह वाली जो खुराक है वो नाश्ते के बाद लेंगे और शाम वाली जो है वो दूध पत्ती चाय से लेंगे। पहले पानी से खा के फिर ऊपर से दूध पत्ती चाय पिए। अब इसके फ़ायदे भी सुनिएगा दोस्तों। ये इंतशार इतना देगा आपको, जो कहते हैं ना बिल्कुल नकारा है, पावर नहीं है, इंतशार नहीं है, सख्ती नहीं आती है, हम अपने शरीक हया के सामने शर्मिंदा हो जाते हैं। दोस्तों आज मेरी एक बात याद रख लेना, हमारे पास बहुत केसेस आते हैं, बहुत केसेस आते हैं जिनके घर उजड़ चुके होते हैं, बेचारे लेट आते हैं हमारे पास तो फिर मजबूरी बन जाती है, नहीं तो हम घर नहीं उजड़ने देते हैं। नेकी के काम में अल्लाह पाक भी साथ देते हैं तो इलाज उनका कर देते हैं। जो बेचारे बाद में आते हैं कि जी ये पहले हो चुका है, तलाक हो चुकी है, इस वजह से तो अब इलाज करने आए, अब इसकी दूसरी शादी कर रहे हैं, तो वो फिर एक मजबूरी हमारी बन जाती है, नहीं तो हम पहला घर भी बर्बाद नहीं होने देते हैं। याद रखना, जो अच्छे ख़ानदान की, शरीफ ख़ानदान की जो औरतें ख़वातीन होती हैं ख़ानदानी,
वो घुट घुट के मर जाती हैं। जब शोहर उसका हक अदा नहीं करता है ना, देखो सोना चांदी कपड़ा बंगला उनको अपने पेके में भी मिलता है, ठीक है, हर चीज़ मिलती है। वो आपके पास आइए तो किस लिए आइए, आप उसका हक नहीं देंगे, हकूक़ पूरे नहीं करेंगे, तो शरीफ ख़ानदानी जो है वो तो ज़ाहिर सी बात है वो घुट घुट के मर जाएगी। नमाज़ पढ़ेगी, बारी ताला मेरे शोहर को ठीक कर दे वरना मुझे मौत दे दे। ये अपने जज्बात पूरे कर लेते हैं और मेरे जज्बात बीच में ही रह जाते हैं, वो अल्लाह से फरियाद करती हैं। और जो घटिया ख़ानदान से होती हैं, मैं आगे तो खैर कुछ नहीं बता सकता, मगर इधर उधर वो ज़रूर जो है वो झांकते हैं, ठीक है। अल्लाह इस नौबत से बचाए, अल्लाह आपके घरों को आबाद रखे। तो दोस्तों ये चीज़ जो है, आप किसी को भेजें किसी का घर बर्बाद होने से बचाएं। और जो हमसे ये कस्तूरी पावर प्लस मंगाना चाहते हैं, जो एंजॉय के लिए मंगाना चाहते हैं, मज़ीद इसके फ़ायदे मैं आपको बता रहा था, सॉरी, ये जिनकी शहबत नहीं है, पावर नहीं है, जिस्मानी कमज़ोरी रहती है, पट्ठों की कमज़ोरी रहती है, ये बहुत शानदार रिज़ल्ट हैं उनके लिए, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। तो इंशाल्लाह जब आप इस्तेमाल करेंगे और पट्ठों को एकदम फौलाद बना देगा, मर्दाना ताकत जो है ऐसे समझ लें कि ये वैगरा का काम करेगा। जी हाँ, जिस दिन प्रोग्राम हो ना तो इसके 2 कैप्सूल खाइएगा 3 घंटे पहले, फिर इसका देखें काम आप। उस दिन रोटी नहीं खानी है, 2 कैप्सूल आप जो है 3 घंटे पहले खाएं, उस दिन खाना नहीं खाएं, नीम गर्म दूध से आप खाएंगे इसे, फिर देखें इसके ताकत का अंदाज़ा। और जो ये कस्तूरी पावर प्लस मंगाना चाहते हैं ना, जो कहते हैं हकीम साहब बिल्कुल शहबत नहीं है, पावर नहीं है, घर उजड़ रहे हैं, तो ये उनके लिए हमने बनाई है, 6500 की होती है, तो ये जो है फौरी ही काम करने वाली है। आधा घंटा पौना घंटा पहले इसको खा लें, फिर इसके नज़ारे देखें, नई ताकत, नया जोश, नया बलबला आपके जिस्म में, आपको पता पड़ जाएगा ना क्या चीज़ हमने इस्तेमाल कर ली है, ठीक है। और डिस्चार्ज होने के बाद भी अपनी पोजीशन में ये कायम रहता है, काम जारी रख सकते हैं, दूसरे दिन तक भी असर होता है इसका। अल्लाह ने इसमें इतनी शिफा रखी है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। दर्जनों प्रोग्राम इससे हो जाएंगे, 6500 की होती है, और ये वैगरा जो 10 गुना ज़्यादा जो है ये हमारी वैगरा से पावरफुल है, इसमें 24 कैप्सूल होते हैं, ये 5500 की ये 24 कैप्सूल देते हैं, और बग़ैर जो है साइड इफ़ेक्ट्स के हैं दोनों आइटम। जब मर्ज़ी ये दिल चाहे मंगा सकते हैं, आर्डर बुक करा सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे आप वॉइस करेंगे, हकीम साहब हमें ये मंगवाना है, हम आपको पर्सनल नंबर देंगे, आप पेमेंट लगाएंगे, फिर अपना नाम नंबर ज़िला तहसील बता देंगे, एक दिन में ही TCS के ज़रिए पहुँच जाएगा। अगली वीडियो तक हुसैन भाई को दे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।